ये है लक्ष्य ग्रह का गुरुकुल, जहाँ पर आज भी क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर आज भी स्टडी की जाती है। तो यहाँ से होते हुए हम जाएंगे उन सुरंगों में जहाँ से पांडवों ने खुद को सुरक्षित निकाला था इस जलते हुए लक्ष्य ग्रह से। तो यहाँ पर मुझे एक बटरफ्लाई दिखी, बहुत दिनों बाद मैंने बटरफ्लाई को देखा तो मैंने इसको कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो यहाँ से मैं और मेरी मम्मी है मेरे साथ में, हम लोग अभी जा रहे हैं सुरंगों की तरफ, जो कि लक्ष्य ग्रह का मेन चीज़ है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि पांडवों ने जो 5 गाँव दुर्योधन से मांगे थे ना, उन गाँवों के नाम थे पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत, यानी कि बरनावा, जो आज हम बरनाव के नाम से जिसे हम जानते हैं, और ये पत नाम से जाने जाते थे। जब श्री कृष्ण जी जो है संधि का प्रस्ताव लेकर जब दुर्योधन के पास आए, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ये कहकर अपमान कर दिया था कि युद्ध के बिना तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन आपको नहीं मिलेगी। तो इस अपमान की वजह से ही श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के यहाँ जो है खाना भी नहीं खाया था, और वो फिर गए थे महामुनि विदुर के आश्रम में। और विदुर का आश्रम आज भी गंगा के उस पार जो बिजनौर जिले में पड़ता है वहाँ पर स्थित है, और विदुर जी ने वहाँ पर उनको बथुए का साग खिलाया था, और कहते हैं कि इस क्षेत्र में आज भी बथुआ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगता है। और यहाँ इस बोर्ड पर लक्ष्य ग्रह गुफा के बारे में कुछ लिखा है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी गुफाओं के पास। ये ऊपर का सीन है, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे तक, जहाँ तक की गुफाएँ हैं। और यहाँ पर बीच बीच में कुछ बच्चे हैं जो अपना फोटोशूट यहाँ पर कर रहे थे। तो चलिए गुफाओं तक चलते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने उन गुफाओं में, एक ये है और एक ये है, दो गुफाएं हैं यहाँ पर। इनमें कितने अंदर तक हम जा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाहर से तो जो है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया, थोड़ा सा इनको देखभाल करके की गई है, लेकिन अंदर से ये अभी भी इस तरह की मिट्टी की है। बहुत लंबी सुरंग है ये, और यहाँ से थोड़ा आगे चल के हिंडन नदी पड़ती है, वहाँ पर ये खुलती है। तो यही वो गुफाएँ हैं जिनसे पांडव अपने आप को सुरक्षित करते हुए निकले थे इस जलते हुए लक्ष्य ग्रह से। बहुत बड़ी ये हमारे लिए चीज़ है, बहुत अच्छी मुझे ये लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आई होप कि आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि देखती हूँ कितने अंदर तक मैं इसमें जा सकती हूँ। अंदर काफ़ी अंधेरा था, थोड़ी दूर तक तो मैं जा पाई, लेकिन उसके बाद अंदर जो है सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और अंधेरा भी था। और फिर मुझे लगा कि मैं चलो मोबाइल की टॉर्च लगाकर मैं अंदर तक जाती हूँ थोड़ा सा और, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही इतना ज़्यादा अंधेरा यहाँ पर था तो मुझे डर लगने लगा था, और थोड़ा सा सफोकेशन भी हो रहा था, क्योंकि ये मिट्टी की बनी हुई है और बहुत पुरानी है, तो बीच में से टूटी फूटी हुई भी है। तो थोड़ा अंदर जाने के बाद ही मैं वापस आ गई हूँ। छोटी छोटी सुरंगों से, गुफाओं से कैसे उन्होंने खुद को सुरक्षित निकाला होगा, मैं तो बस यही सोच रही थी। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जो इन सुरंगों में अंदर घुसते भी हैं, आप देख सकते हैं। और इन सुरंगों के पास ही ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतरकर इधर जो है हिंडन नदी दिखती है, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ती है यहाँ से, यहाँ से मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो सोचा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, बट वो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है। ये
ये थी वो गुफाएं, सुरंगें जिनसे होते हुए पांडवों ने खुद को सुरक्षित निकाला था इस जलते हुए महल से। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे बंदर है जो कि यहाँ पर मस्ती शरारतें करते रहते हैं। इनको देखकर डर भी बहुत लगता है, लेकिन इनको देखना भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हो गई है हमारी लाक्षाग्रह की जो यात्रा वो पूरी। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर हाँ आपको अच्छा लगा तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए बेल वाले आइकन के साथ। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ अपनों का रखिए ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।